नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? पेंट द वॉल ट्रिक है W करने का, अभी वापस उल्टा W। तो हम ये सोच रहे हैं ये दो शेड्स करना। हाय सारी, हाय। मेरा साथ मेरा प्यार को जीवन साकार, प्यार में बनू मैं फुल टू राम, रक्षा करूं जैसे हनुमान, परेशान किया तो यमराज। हाय गाइस, हम आए हैं होम डेपो और हम अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? पेंट द वॉल। यस, तो हमने पेंटर्स टेप लिया, स्कॉच ब्राइट का ब्लू पेंट, ब्लू टेप, पेंटर्स टेप। और अभी हम ढूंढ रहे हैं प्रोटेक्शन, नहीं पेंट ब्रश भी ढूंढ रहे हैं और पेंट कलर बाद में ढूंढेंगे। तो ये होम डेपो है और यहाँ पे सब मिल जाता है, ये कलर सेक्शन है, हमें यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है। घर की ऑलमोस्ट सारी ही चीजें यहाँ पे मिल जाती है, पर ये कहाँ यूज होगा? प्रिंट प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरिंग को वगैरह। तो ये भी ना कर, बहुत है। ठीक है, ये ले लेता। यहाँ पे सारे पेंट ब्रशेस है, हमें फ्लैट लेना पड़ेगा कोई, ये ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे तो थोड़ा उसका ऐसा हाइट होता है ना वैसा रोलर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रॉड चलेगा, इस पे तू देख ले कि ये $6 का आता है और इस पे कोई एक रोलर अपन देखता है। तो ये वो रोलर स्टिक है, ये रोलर है, ये वो क्लॉथ जैसा जो हम पेपर रखेंगे कि साइड में खराब ना हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, हम दो के बीच में कंफ्यूज्ड है, एक है ब्लू प्रिंट और एक है ये थोड़ा ग्रे शेड में और ये ब्लू, हमें थोड़ा ब्लू शेड चाहिए तो अपन ये लेते जो ऐसा दिख के आया। तो हम ये सोच रहे हैं ये दो शेड्स करना। नहीं ना, ये ही अच्छा लग रहा है, फ्रेंच कॉलोनी और एक ब्लू प्रिंट। तो हम वापस आए होम डेपो और इस बार हम लेने आए हैं प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स, हम देख के आए थे अभी बस लेना। तो ये यहाँ पे खुद से कट करना रहता है, वो DIY खुद करना। तो एक हम अभी ट्राई कर रहे हैं, जो हम लेने वाले वो ये है क्राफ्ट्समैन में, सॉरी क्राफ्ट्समैन मोल्डिंग। ये फिलहाल बहुत बड़ा है, इसका लेंथ क्या रहेगा क्या पता, रुक जा मैं आई। बाप रे मम्मी। फोर्टी इंच के बाद हम कट करेंगे और ऐसे हमें टोटल चाहिए 7। तो ये 40 लेना है हमें, 241 है ना बुक पे, क्या लिखा है बुक पे? लिखा है हाँ 241 सेंटीमीटर। ये मार्किंग किया, अब हम इससे कट करेंगे। हुआ ये पेन, पेन मिल गया। यस, किससे मांगा? वो वहाँ का एक आदमी था ना यहाँ स्टोर का, उसके पास से लेके आई। अब इजी होगा। तो ये कट हो गया दो, और एक नया लेना पड़ेगा और इसमें से वापस कट करना है, तो टोटल हमें 7 चाहिए। और ये लिक्विड नेल्स है तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट, आई थिंक हमें ये चलेगा। सो गाइस, ये हमने मार्क किया है और अभी हम पेंट करेंगे और वो स्लैब्स लगाएंगे। W, ये ट्रिक है W करने का, अभी वापस उल्टा W। गुड जॉब, यहाँ पे पेंटिंग हो रहा है और यहाँ पे सावी खेल रही है। हाय, से हाय। हाय एवरीवन, अरे सावी कम है, सावी कम है।
ये हमारा नेक्स्ट कलर है, तो हम इसे पेंट करेंगे अभी और पूरी रात इसे सूखने देंगे। जो योशा आ कलर तना जो वो कलर योशा हाँ डार्क ब्लू शा जो गाइस नेक्स्ट दिन सुबह ये ऐसे दिख रहा है। कल रात हमने ये नीचे का भी कलर कर दिया था और ये प्लांट्स को भी कर दिया था और अब हम इसे यहाँ पे चिपकाएंगे। और यहाँ पे सावी मैडम खाना खा रही है। आज सावी के खाने में क्या है? ब्रोकली गाजर और ये है राइस। और ये क्या है? ये स्वीट पोटैटो। और ये हमारी आर यू लाइकिंग योर मील सावो? अरे यार से यस टू माय व्यूअर्स सावो। तो अब हम ग्लू लगाएंगे। ये गोरिला ग्लू है तो यूजुअली पैनल्स पे ये यूज कर सकते हैं। कोई लोग नेल्स यूज करते हैं और कोई लोग ग्लू भी लगा सकते हैं, तो हमने ग्लू लगा रहे हैं। अक्षय इतना सारा लगाना पड़ता है क्या? हम्म। और वो कॉर्नर पे लग जाएगा अपने आप? फिर इसे स्प्रेड होगा कि ऐसे ही रखना? स्प्रेड करना पड़ता है क्या? पत्रा पत्रा से किससे? नहीं वो चिपक जाते हैं। बाहर नहीं आएगा? नहीं देखा? हाँ नहीं होगा, बाहर है साइड में, कुछ नहीं होगा, दूर है। यही पट्टी वापस लगा सब। और अभी ये फाइनल पैनल लगेगा जो ऊपर होगा। पहले चिपकाते नहीं, पहले मैं चिपकाती नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम एक फ्रेम लाया है, वो लगेगी, उसके बाद मैं पूरा लुक दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गया है बट फाइनल लुक मैं आफ्टर फ्रेम लगाने के बाद बताती हूँ कि हम कौन सी फ्रेम लाए हैं। और यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल लगाया है, पूरा फ्लोरल थीम हो गया।